जनता सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब चुनाव की घोषणा हो और ये निष्क्रिय सरकार, निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार जो जल जंगल जमीन के नाम पर 2019 में जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर जनता इसके बहकाव में आकर मतदान कर दी। लेकिन इन सारे 3 वर्षों में ये सरकार जिस वादे के अनुसार जनता ने इन्हें जनादेश दिया था, एक भी वादे पूरे नहीं। अगर मैं गढ़वा की बात करूं तो किस तरह गढ़वा का बालू आज सोने से भी ज्यादा कीमत हो गया। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बालू गरीब को नहीं मिल रहा, लेकिन दिल्ली और नोएडा के लिए जिस तरह सरकार के संरक्षण में अवैध बालू का धंधा चल रहा, 3.5 साल से निष्क्रिय सरकार बालू घाट की नीलामी नहीं हुई, जिसके कारण राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा। वो करोड़ों अरबों रुपया आज एक परिवार के खाते में जा रहे और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, बड़े जैसे आचरण करेंगे छोटे उसी रास्ते पे चले। इस राज्य का दुर्भाग्य है, इस राज्य में राज गठन के बाद से जब जब कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन की सरकार बनी तब तब झारखंड को नुकसान हुआ, झारखंड के प्राकृतिक संसाधन की लूट हुई। 7-8 का आप सबको जानकारी है किस तरह खनिज संपदा की लूट हुई और इस बार भी इस गठबंधन की सरकार में खनिज संपदा की लूट, क्योंकि पलामू में बालू है, गढ़वा में बालू है, लेकिन अगर आप धनबाद बोकारो जाए, रामगढ़ जाए तो करोड़ों रुपए का अवैध कोयला का तस्करी। अगर संथाल में जाए तो अवैध पत्थर का खनन कर बांग्लादेश, और आप सब इस बात से अवगत है कि मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि 1,000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन में आज होटवार जेल में। माननीय मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि अपने प्रतिनिधि को हटा, अब उनको डर ये है भाई हम प्रतिनिधि को हटा दे तो कहीं पोल खोल दे तो हमें भी होटवार जेल जाना ना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।